एक भूल का शूल चुभता जिगर में, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला 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 अकेला, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला। आरती आरती, अरे देखो ना मैं कितने अच्छे खिलौने लेके आया हूं, देखो है ना अच्छे है ना। क्या हुआ तुम्हें खिलौने अच्छे नहीं लगे? खिलौने तो अच्छे हैं मगर कोई खेलने वाला भी तो हो। अरे फिर वही रोना, अभी 5 साल ही तो हुए हैं। मेरी सहेली 5 साल में 2 बच्चों की मां बन गई। तो क्या हुआ? उनसे जाके पूछो, बच्चों से कितनी परेशानी होती है। उनका रोना चिल्लाना, सारा दिन पॉटी करते रहते हैं वो लोग, बस काम ही काम। हाँ मगर उनको करते करते माँ को कितना रूहानी सुकून मिलता है, काश आप उसका एहसास कर पाते। एहसास हो ना हो मुझे इतना पता है कि बच्चों का शोर शराबा ना होने से ना मुझे बड़ी राहत मिलती है। तू भी तसल्ली देना ना कोई आपसे सीखे। गलत नहीं कह रहा हूँ। अच्छा तो अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि आपको बच्चों से लगाव नहीं है और आप सचमुच बच्चा नहीं चाहते। अरे खान साहब आइए आइए भाई, तशरीफ वशरीफ तो हम बाद में रखेंगे, फिलहाल आप लोग ये मिठाई रखिए। अब आप लोग पूछेंगे कि मिठाई किस खुशी में, तो हम फख्र से बताएंगे कि हम चौथी बार माँ बनने जा रहे हैं। आप तशरीफ रखिए प्लीज। क्या सोचने लगी आरती बहन? तुम भी मोहल्ले की औरतों की तरह तो नहीं सोच रही? नहीं नहीं मिसेस खान, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात ये है यार कि मुझको बच्चे बहुत पसंद हैं और मेरी बेगम मेरी ख्वाहिश पूरी कर देती है। बच्चे तो अल्लाह मियां की देन होते हैं। यकीन मानो आरती बहन, आपकी सुनी कोख का दर्द आपसे ज्यादा मुझे है, अल्लाह आपकी मुराद जरूर पूरी करेगा। आमीन। दरअसल आकाश भाई मिठाई तो एक बहाना है, मैं आपको एक डॉक्टर का पता बताने आया था, आप उससे एक बार मिल जरूर लेना। वही थ्री नाम है भाई, क्या नाम है उसका? विभा जिंदल। उससे एक बार मिल जरूर लेना। अच्छा तो उनका क्लिनिक कहाँ है भाई? ये अपना नई बस्ती है ना, उसके पास जो मस्जिद है वहीं पर। अच्छा वो वहीं, ठीक है तो मैं आज शाम को ही आरती को लेके जाता हूँ। क्यों आरती? जरूर आप जरूर जाना आज, एक बार उन्हें जरूर दिखाइएगा। आरती बहन अल्लाह पे भरोसा रखना। अच्छा अब हम चलते हैं। चलो
खुदा खुदा। जिंदगी तेरा भी कुछ पता नहीं, न जाने कैसे कैसे इम्तिहान लेती है, एक बार नहीं कई कई बार। कभी तो इंसान का दर्द समझ जाया कर, बस अपनी ही धुन में मस्त रहती है। कभी कभी तो इतनी बेरहम हो जाती है कि तुझसे नफरत सी होने लगती है, लेकिन लेकिन इसके बावजूद भी तुझे जीने को मन करता है। क्यों? इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते वक्त निकल जाता है और ना जाने कब तू आहिस्ते से गुजर जाती है। एहसास तब होता है जब शाम हो चुकी होती है। आखिर इतना तड़पाने में तुझे क्या मिलता है? कभी तो दिल की मुराद पूरी कर दिया कर। काश काश तूने मेरी सुनी कोक का दर्द महसूस किया होता, तुझे एहसास होता कि औरत की मां बनने की कितनी चाहत होती है। जानती है ना तू कि औरत जब तक मां नहीं बनती तब तक अधूरी रहती है। है सिमटे हुए सब अपनी खुदी में, दर्द मेरा कोई ना जाना, लगते हैं बेगाने से यहाँ सब, किसको सुनाऊं गम का फसाना। है सांसों का मेला पर दिल अकेला, अकेला 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 अकेला। है सांसों का मेला पर दिल अकेला, अकेला 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 अकेला। क्या सोच रही हो? सोच नहीं रही हूँ, शिकायत कर रही हूँ। किससे? अपने आप से? नहीं, जिंदगी से। तो शहराना मूड होगा, जज्बातों का सैलाब उमड़ रहा होगा। हाँ शायद ऐसा ही कुछ, क्योंकि जिंदगी एक ऐसी चीज है जिसे जब चाहो जैसे चाहो शिकवे शिकायत कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी पलट कर कुछ भी नहीं कहती। कहती है, बहुत कुछ कहती है, मगर हम सुनना नहीं चाहते। मैं समझी नहीं। जिंदगी कभी कभी ये भी तो कहती है कि तुम मुझे क्यों कोसे जा रही हो? कभी अपने मुकद्दर में नजरें डालकर देखो, पढ़ने की कोशिश करो कि उसमें क्या लिखा है। तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि नसीब के आगे किसी की नहीं चलती? बिल्कुल। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि शादी के बाद खाबिन का नसीब भी जुड़ जाता है? हो सकता है कि मेरे नसीब में वो सब ना हो जो तुम चाहती हो। पोशीदगी का माहौल पैदा करना आपको बहुत अच्छे से आता है। साफ साफ कहिए ना क्या कहना चाहते हैं। अमूमन बच्चा पैदा ना होने का इल्जाम औरत पे लगा दिया जाता है, पर इसका दूसरा पहलू ये है कि कमी मर्द में भी तो हो सकती है। आरती, ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, मगर वो बात तुम्हारी जुबान पर आकर रुक जाती है। क्यों आरती? क्या मैं सही सोच रहा हूँ? माँ, माँ का लफ्ज सुनने के लिए समीर तरस रहा है। बाहर पार्क में बच्चों का शोर, मगर मेरा आंगन
मेरा आंगन सूना पड़ा है। क्यों? उम्मीद का दामन आखिर कब तक पकड़े रहूंगी? औरत हूं, जल्दी घबरा जाती हूं, लेकिन जब हकीकत का सामना करती हूं तो तुझसे नजरें चुराने को मन करता है। बेशक तुम मुझसे कुछ ना कहो, लेकिन मुझे अपना चेकअप करवा ही लेना चाहिए ताकि हकीकत तो सामने आए। इसलिए मैंने ये फैसला किया। फैसला? कैसा फैसला? तुमसे पहले मैं अपना चेकअप करवाऊंगा। मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है। लेकिन क्यों? क्या जरूरत है इसकी? जरूरत है आपकी। मेरा जमीर मुझे उकसा रहा है, और अगर मैं अपने जमीर की बात ना सुनूं तो मुझे सुकून नहीं मिलता, और मैं अपना सुकून किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता हूं। और हम दोनों भी तो यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा हो, और जब तक मैं इस मसले की जड़ तक नहीं पहुंच जाता मैं आराम से नहीं बैठ सकता। काश मैं तुम्हें अपने बीते हुए कल की तस्वीर दिखा सकती, बता सकती कि जिंदगी में इस ठहराव की वजह क्या है। मेरी 1 बजे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? मैं आपके साथ चलना तब पसंद करती जब मुझे आप पर यकीन नहीं होता, और आप पे यकीन ना करने की मेरे पास कोई वजह नहीं है। एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारा भी वक्त कट जाता और मुझे भी कंपनी मिल जाती। सही बात कहूँ तो मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं अकेला होके आता हूँ। आज इन बच्चों को सबक सिखा के रखूँगा। अरे अगर अपना बच्चा होता तब भी तुम इतना ही गुस्सा करते? अगर आरती, ये इनका रोज रोज का काम है। अंकल बॉल दे दो ना प्लीज। नहीं मिलेगी बॉल, तुम्हें कितनी बार कहा दूर खेला करो। सॉरी अंकल प्लीज। बॉल नहीं मिलेगी तुम्हें। बॉल मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त है। तुम लोगों को अंदर आना होगा। अंकल चले गए, तुम लोग एक काम करो, पीछे के रास्ते से आओ। आरती इन्हीं बच्चों पे अपनी ममता उड़ेल कर सुकून पाने की कोशिश करती है, उसमें तो मैं उसकी मदद कर ही सकता हूँ। नमस्कार मम्मी जी। नमस्कार दामाद जी। आरती कैसी है? अरे वाह, फोन दामाद ने किया और हालचाल बेटी का पूछा जा रहा है। नहीं नहीं दामाद जी, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा मतलब है आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मम्मी जी, मगर आरती। क्या हुआ आरती को? सब ठीक तो है ना? अरे घबराने की कोई बात नहीं है, वो बस थोड़ी उदास है, और उदासी की वजह मुझसे बेहतर तो आप जानती हैं जी। पर मेरे आने की जरूरत है क्या? इसीलिए फोन किया मैंने आपको। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर वो मेरी बात को बहुत लाइट लेती है। मैं डॉक्टर के पास जा रहा था। क्यों, क्या हुआ?
एक्चुअली मैं अपना चेकअप करवाने जा रहा था। मैंने उसे साथ में चलने को कहा लेकिन उसने इनकार कर दिया। बेहतर होगा आप कुछ देर के लिए घर आ जाइए। ठीक है दामाद जी, आप बेफिक्र होकर डॉक्टर के पास जाइए, मैं अभी पहुंचती हूँ। शुक्रिया जी। दीदी सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? दीदी हम आपके देवरानी हैं, कोनो गैर नहीं। अरे दीदी हम तो आपका चेहरा देखते ही समझ गए कि कुछ न कुछ आरती का खबर आई है। हाँ सो तो है, अभी दामाजी कहीं सोच। पता नहीं हमरे आरती को कहा हो गया कहा नहीं, हर बात दिल पे ले लेती है। दीदी एक बात हम कहें आपको, आरती भी जो है ना बिल्कुल आप ही के ऊपर गई है। कितना समझाती हूँ पर समझती है। ये दीदी बुरा ना मानो, एक बात कहें आपसे। हाँ बोलो। दमासी को आरती के पिछले जिंदगी नहीं नहीं शुक्र है इन सब बातों से अनजान है। ठीक है दीदी हम आते हैं। ये क्यों आई थी यहाँ पर? बस वैसे ही। फालतू में तो ये भगवान के यहाँ भी ना जाए, बिना मतलब इसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। वो आकाश का फोन आया था, आरती थोड़ी परेशान थी। बबूल बोलने वालों को मखमली एहसास क्यों करवाने लगा? आप हमेशा ऐसी जलीकटी क्यों सुनाते हैं? जलीकटी नहीं हकीकत है, शुक्र मानो कि अभी तक हकीकत पर पर्दा गिरा हुआ है। जिस दिन आकाश को पता चलेगा पता नहीं क्या होगा। जिंदगी की ये गलती सारी खुशियां जलाकर खाक कर देती है। कहीं जाने की तैयारी हो रही है क्या? हाँ आरती के पास जाना है। अकेली या देवरानी भी जाएगी? उसने खुद कह दिया कि मैं चलती हूँ तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ? उसे भूलकर भी साथ मत ले जाना वरना पछताना पड़ेगा। ये वो औरत है जिसके पेट में कोई बात हजम नहीं हो सकती। अरे इसकी तो वहाँ छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। हाँ ये तो ठीक है लेकिन अब वो खुद कह रही थी कि मैं चलना चाहती हूँ तो मैं क्या कह सकती हूँ? बेहतर होगा तुम फौरन अकेले ही निकल जाओ, उसे मैं संभालू। ठीक है तो फिर मैं जल्दी निकलती हूँ। दीदी हमको देर तो नहीं होगी आने में? ये लो बेटा बिस्किट का, ये आप लो। अब आप यहीं पे खेलना ठीक है और हम लोग रोज मिलेंगे। और बिस्किट लोगे? आइए ना अंदर। अच्छा बच्चों आप लोग घर जाओ ठीक है, चलो बाय। चलिए आइए माँ। अच्छा हुआ जो आप लोग आ गए, बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी। चाची आपके लिए ठंडा पानी लेकर आऊं? अरे नहीं नहीं आरती, तुमको देख के ही मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई। अब पानी उन्हें छोड़ो, तुम बैठो, तुमसे बहुत काम की बातें करनी है। आरती दामाद जी दिखाई नहीं दे रहे, अभी तक डॉक्टर के पास से आए नहीं क्या? वो
दरअसल दावा जी का फोन आया था। उन्होंने डॉक्टर की बात फोन पर कही आपको? दामाद जी ना, डॉक्टर के यहाँ जाने का फैसला लेकर बहुत समझदारी का काम किया है उन्होंने। कभी कभी मर्दों में भी कमी होती है, लेकिन तोहमत औरतों पे लगाई जाती है। आरती, कुछ भी कहो, दामाद जी ना तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। आदाब। कैसी हो सलमा बेटा, सब ठीक है ना? बहुत दिनों बाद देखा तुम्हें। खुदा का फजल है। आप कैसे हैं? सब ठीक है। इस बार बहुत दिनों के बाद चक्कर लगा। अरे बेटी के ससुराल में जितना कम जाओ उतना ही अच्छा है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे दामाद जी की तो आदतें बहुत अच्छी है। इसी अपनेपन का ख्याल करके मैं आरती को समझाने आई थी कि नई बस्ती में मस्जिद के पास बहुत अच्छी डॉक्टर है। साइंस ने काफी तरक्की कर ली है, दवाओं से फौरन और सही इलाज हो जाता है। कैसे हैं आप लोग? दामाद जी हम लोग तो ठीक हैं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूं। दामाद जी उदास हैं, लगता है कि कोई परेशानी है। मर्दों की फितरत को औरत भला क्या जाने? क्यों? क्योंकि इनके चेहरे पे कुछ और होता है और दिल में कुछ और। अरे छोड़िए ना इन बेकार की बातों को, वैसे भी हालात ही सब बात के जिम्मेदार होते हैं। तो क्या दीदी आप ये कहना चाह रही हैं कि दामाद जी हालात के शिकार हैं? अरे नहीं, होगी कुछ परेशानी। ऐसी खास परेशानी दीदी? अरे मेरा मतलब है कोई खास परेशानी हो सकती है, इसलिए तो मैंने आरती को भेजा है पूछने के लिए। अच्छा किया आपने, वैसे भी आरती बहुत समझदार है, वो दिल की बात ना उगलवा लेगी। आप इतनी घबरा क्यों जाती, दिल का पहाड़ बना देती है। होगी कोई परेशानी? वो तो है, लेकिन कोई ना कोई तो परेशानी है उनके पास। अरे इतना आहिस्ता बोलो। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हैं। कुछ खास बात नहीं। आपको क्या लगता है, आप कुछ भी कहेंगे और मैं मान जाऊंगी? तो फिर ऐसा क्या बोलूं जिससे तुम्हें यकीन आ जाए? डॉक्टर के पास गए थे ना? वहीं से आ रहा हूं। तो क्या कहा डॉक्टर ने? मैंने कहा ना कुछ खास बात नहीं है। जो कहा आप बताते क्यों नहीं? आप मेरे सब्र की परीक्षा क्यों ले रहे हैं? डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक गॉड, ठीक है ना, मुझ में कोई ना कोई कमी निकलेगी।
है इस